देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग, आप जानते हैं, निर्दल हम लोगों के रानी राजा भैया खुद भी निर्दल विधायक हैं, बगल की सीट से भी उन्होंने निर्दल एमएलए जिताए हैं, और 12 साल से हम लोग समाजवादी के साथ पार्टी के साथ में थे, क्योंकि पोटा जब हम लोगों पे लगा, जब लोकतंत्र की हत्या मायावती सरकार द्वारा हो रही थी, उस समय नेताजी ने बढ़ चढ़ के हम लोगों को साथ दिया, पूरी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, और उस समय भी तमाम दबाव था, लेकिन उस समय हम लोग पार्टी नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमारा ब्लड नहीं कहता जिसने साथ दिया उसे विरोध हो जाए। और उसका इस समय माननीय समाजवादी पार्टी का, क्योंकि बसपा से तालमेल हो गया, इसलिए हम लोगों को अलग होना पड़ा ऐसी स्थितियों में। और फिर जब हम लोगों ने देखा तो जो पॉलिटिकल पार्टियों की स्थिति है, वो सब जात को लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन सब सब जात को लेकर नहीं चलते हैं, बाकी बांटने का काम करते हैं। ऐसी स्थितियों में हमने सारे समर्थकों से राय ली, जिसमें 15 लाख लोगों ने राय दिया, 80% लोगों ने कहा कि राजा भैया को अपना पार्टी, अपनी पार्टी बना के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी स्थितियों में हम लोगों ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल के नाम पर अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, अब उसका प्रमाण पत्र मिलना है। अभी आप निर्दलीय जीतते आ रहे थे, वर्तमान में आपने पार्टी बनाई है, पार्टी बनाने कोई ना कोई उद्देश्य होगा, आप वैचारिक रूप से आपकी पार्टी किससे समानता मानती है, और जैसे बीजेपी के नेताओं से हमारी बात, सर एक मिनट देखिए, जो हम ऐसा है कि जब आदमी बड़ा होता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, उसकी जरूरतें बढ़ती हैं, हमारे समर्थक बढ़े, हमारे लोग बढ़े, हर जिले में समर्थक और हर जगह उनका सम्मान रखने के लिए, इतना बड़ा परिवार बढ़ रहा है, तो परिवार बढ़ता है तो लोग घर भी बढ़ाते हैं, सारी चीज़ें बढ़ाते हैं। उसी तरह हमने दल का निर्णय लिया, 25 साल के राजनीतिक सब समाज को लेकर चलने के अनुभव के बाद लिया है। तो सर बीजेपी के साथ जाएंगे कि अगर अलायंस होगा? देखिए, अगर जाना होता तो पहले ना चले जाते, हमारे मुद्दे से जो हो वो हमारा समर्थन करे, हम पहले तो आप उनसे पूछिए कि हमारे मुद्दे से सहमत है कि नहीं सहमत। वो तो ये कह रहे हैं कि जो हमसे उन्होंने ना भी नहीं करा, हाँ भी नहीं करा, वो कहा कि जो भी पार्टी हमारे साथ आएगी हम उसको लेने को तैयार हैं। हमने आपसे कहा क्या, वो हमारे हमारा हमारा तालमेल तो तब होगा जब हमारे मुद्दे से समर्थन करेंगे हमारे मुद्दे। आप अभी कह रहे हैं कि हम इसलिए अलग हो गए समाजवादी पार्टी से कि वो मायावती के साथ चले गए, तो कहीं कहीं देख नहीं रहा ना, तो कोई अभी गठबंधन हुआ ना कुछ, गठबंधन हो गया बाकायदे, उन्होंने मतलब सारे लोग उसमें उन्होंने बयान दिया, उन्होंने भी बयान दिया कि गठबंधन हो गया, तो इसी स्थिति में हमको अलग होना पड़ा। सर अगर आपकी पार्टी की मुख्य विचारधारा क्या है और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारी